उस काठवाध्याय युहन्ना रचित सुसमाचार उस काठवाध्याय पर हम पढ़ेंगे 31 पद से लेकर 44 तक 31-44 युहन्ना 8 31 से 44 तक। हिंदी में वहाँ कोई मोबाइल नहीं लगता। हिंदी नहीं कोई बस 31-44। तब यीशु ने उन यहूदियों से उन उनकी प्रतीति की थी, कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे और सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। उन्होंने उसको उत्तर दिया कि हम तो इब्राहिम के वंश से हैं और कभी किसी के दास नहीं हुए, फिर तू क्यों कहता है कि तुम स्वतंत्र हो जाओगे। यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है, और दास सदा घर में नहीं रहता, पुत्र सदा रहता है। सो यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। मैं जानता हूँ कि तुम इब्राहिम के वंश से हो, तो भी मेरा वचन तुम्हारे हृदय में जगह नहीं पाता, इसलिए तुम मुझे मार डालना चाहते हो। मैं वही करता हूँ जो अपने पिता के यहाँ देखा है, और तुम वही करते रहते हो जो तुमने अपने पिता से सुना है। उन्होंने उनको उत्तर दिया कि हमारा पिता तो इब्राहिम है। यीशु ने उनसे कहा, यदि तुम इब्राहिम के संतान होते तो इब्राहिम के समान काम करते, परंतु अब तुम मुझ ऐसे मनुष्य को मार डालना चाहते हो जिसने तुम्हें वह सत्य वचन बताया जो परमेश्वर से सुना, या तो इब्राहिम ने नहीं किया था। तुम अपने पिता के समान काम करते हो। उन्होंने उससे कहा, हम व्यभिचार से नहीं जन्मा, हमारा एक पिता है अर्थात परमेश्वर। 44 यीशु ने उनसे कहा, यदि परमेश्वर तुम्हारा पिता होता तो तुम मुझसे प्रेम रखते, क्योंकि मैं परमेश्वर में से निकल कर आया हूँ, मैं आपसे नहीं आया, परंतु उसी ने मुझे भेजा। तुम मेरी बात क्यों नहीं समझते? इसलिए कि मेरा वचन सुन नहीं सकते। तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्नेह न रहा, क्योंकि सत्य उसमें एक नहीं है। जब वह झूठ बोलता है तो अपने स्वभाव से बोलता है, क्योंकि वह झूठा है और पिता का पिता है। परमेश्वर पिता का वचन हमारे लिए बहुत ही आशीषित है, और परमेश्वर पिता का वचन सच्चा है, और बाइबल में लिखा है यदि तुम सच्चाई को जानोगे तो सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। हालेलुया। मैं चाहता हूँ सभी लोग थोड़े से पास में आ जाओ ताकि आवाज़ सुनाई दे, क्योंकि और भी कुछ आवाज़ आ रही है बाहर से, तो किसी को डिस्टर्बेंस ना हो और परमेश्वर का जो शब्द है किसी के कान से इधर उधर ना हो जाए। तो आज भी जब हम वचन सुनने के लिए इकट्ठा हुए तब वचन ऐसे सुनना है कि वचन वचन मेरे लिए है, ऐसे ही सुनना है, क्योंकि अगर वचन मेरे लिए नहीं तो फिर सुनने से कोई फ़ायदा नहीं। और इसलिए बहुत ध्यान से सुनना और सुनकर उसको ग्रहण करना ताकि वो हृदय के अंदर जाए और हम वचन के अनुसार चल पाए, क्योंकि वचन सुनने से नहीं लेकिन वचन मानने से आशीष आती है। हालेलुया। तो बहुत ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुनना, क्योंकि बाइबल जो है जो उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक तकरीबन 66 पुस्तकें और 66 पुस्तकें 40 इंसानों ने लिखे, और ऐसा नहीं कि 40 इंसान एक दूसरे को जानते थे, एक दूसरे के साथ बैठे और उन्होंने लिखा, ऐसा नहीं है, लेकिन 1500 से 1600 साल के बीच में इन लोगों ने लिखा। मतलब एक ने लिखा, वो मर गया, उसके कई सालों के बाद कोई दूसरा आया, उसने आगे कुछ लिखा, और एक ने जो लिखा वो पुस्तक कहीं और था, दूसरे ने जो लिखा वो पुस्तक कहीं और था, लेकिन पवित्र आत्मा के जरिए ये सारे पुस्तकों को एक किया गया और उनको एक ही जगह पर रख दिया गया। और आज अच्छा है कि बड़ी बड़ी मशीन आ गई, कागज बनने लगे, तो ये 66 पुस्तक हमें एक ही हाथ में बाइंडिंग कर वो मिल जाते। लेकिन ये जो पुस्तक है वो इंसानों को इस्तेमाल हुआ है, लेकिन किसी इंसान ने नहीं लिखे। ये बाइबल का एक भी शब्द किसी इंसान ने नहीं लिखे, लेकिन इंसान के जरिए परमेश्वर ने लिखवाया। परमेश्वर ने बोला, तू लिख, मैं जैसा कहता हूँ वैसा लिख।
और इंसान ने ऐसा लिखा, लेकिन इंसान ने अपने दिमाग से अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए ये लिखा है, ऐसा कहीं पर भी नहीं, क्योंकि इंसान के बस की ये बात नहीं। तो जो भी लिखा है वो हमारे परमेश्वर ने लिखा है, और बाइबल में लिखा भी है, दूसरे तीमोथी में उसका तीसरा अध्याय उसके 16वां पद में लिखा है कि ये जो शास्त्र है, ये जो बाइबल है, वो ईश्वर प्रेरित है, मतलब कि परमेश्वर से लिखाया गया, परमेश्वर ने लिखाया, ये किसी इंसान से लिखा हुआ नहीं। दूसरे पत्रास उसके पहले अध्याय की 21वें पद में भी लिखा है, किस पुस्तक में जो भविष्य वचन है वो किसी इंसान ने नहीं बोले, लेकिन पवित्र आत्मा के जरिए ये वचन जो है, ये भविष्य वचन जो है, वो हमारे बीच में आया है। आज हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि बाइबल का आखिरी पुस्तक प्रकाशित वाक्य वो तकरीबन 1900 साल पहले लिखा गया, और हमको तो पूरा बाइबल आज हमारे हाथ में मिल गया। अगर हमें कुछ भी ढूंढना है, अगर हमें कुछ भी चाहिए, परमेश्वर की आवाज़ चाहिए, बस बाइबल निकालो, बाइबल में से ढूंढो, और हम जो चाहते उस सवाल उसका उत्तर वो हमें बाइबल से वो आसानी से हमें मिल सकता है। लेकिन आज से बरसों पहले जब ये लिखा नहीं गया था, और तब भी परमेश्वर के दास लोग इस धरती पर मौजूद थे। आज तो क्या है, परमेश्वर के दास के लिए बहुत आसान है, बाइबल ले लो और बाइबल देख लो, कहीं से भी जो भी प्रचार करना है देख लो, और उनको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिल जाएगा। अगर ऐसे भी नहीं मिलता तो कुछ ऐसी किताबें आती है, एक का नाम है पुलपिट हेल्प्स, वो लेकर आओ, उसमें सारे मैसेज रेडीमेड तैयार है, बस मैसेज देने से पहले 5 मिनट पहले एक बार उसको देख लो, और मैसेज देने के लिए खड़े हो जाओ, 1 घंटा आप आराम से बोल पाओगे। लेकिन बरसों पहले परमेश्वर के दास लोग थे, लेकिन उनके पास लिखा हुआ कुछ भी नहीं था, एक भी शब्द ऐसा नहीं था कि उनके पास ये लिखा हुआ हो और उनको ये लिखा हुआ मिल जाए। जब परमेश्वर ने अब्राहम को चुना तो अब्राहम को आवाज़ दी, अब्राहम जो देश में तुझे दिखाता हूँ वो देश में तू चला जा, अपने पिता का घर छोड़ दे, अपने रिश्तेदारों को छोड़ दे, अपना देश छोड़ दे, और जो देश में दिखाता हूँ उसमें तू चला जा। अब समझना सिर्फ कि अब्राहम के पास लिखा हुआ कुछ नहीं, अब्राहम से डायरेक्ट परमेश्वर ने बात की, लेकिन परमेश्वर इतने पवित्र है इंसान उसको देख नहीं सकता। जब इंसान परमेश्वर को देख नहीं सकता तो अब्राहम को भी परमेश्वर दिखे नहीं। जब परमेश्वर दिखाई नहीं दिए, लेकिन एक आवाज़ जरूर आई अब्राहम के पास। अभी ये जो आवाज़ आई वो परमेश्वर की ही है, उसका भरोसा क्या, वो परमेश्वर ने ही अपने मुंह से बोला है, वो हम कैसे मान ले। देखो आज अगर हमें आवाज़ आती है कहीं से, आसमान से आवाज़ आती है, मार्ग सच्चाई और जीवन में हूँ, हम तुरंत घुटनों के बल गिर जाएंगे, परमेश्वर की आवाज़ आएगी, क्यों, बाइबल में ऐसा लिखा है और वही बात परमेश्वर ने बोली, तो समझ सकते परमेश्वर ऐसा बोल सकते। लेकिन जब लिखा हुआ ही नहीं है, अब्राहम ने कुछ पढ़ा ही नहीं है, और अब्राहम के पास आवाज़ आती है, और उससे पहले तो अब्राहम परमेश्वर को मानता भी नहीं था, अब्राहम तो किसी और देव देवता में फंसा हुआ था, और परमेश्वर की आवाज़ अब्राहम के पास आई। अब अब्राहम कैसे विश्वास कर लिए परमेश्वर की आवाज़ है, कैसा परमेश्वर ही कहते कि अपने पिता का घर छोड़ दे, अपने रिश्तेदार को छोड़ दे, और जो देश में देखा तो वहाँ पर चला जा। आज पढ़कर हमें मालूम है कि वो परमेश्वर की आवाज़ थी और अब्राहम ने परमेश्वर की आवाज़ सुन ली, लेकिन उस वक्त जब अब्राहम थे, चलो अब्राहम नहीं होते आप होते, और आपने कभी परमेश्वर को माना नहीं, कभी उनकी उनकी प्रार्थना नहीं की, और अगर आवाज़ आती है तो कैसे हम भरोसा कर ले कि ये आवाज़ किसी और की नहीं है लेकिन ये परमेश्वर की ही आवाज़ है। एक बार परमेश्वर की आवाज़ नूहा को भी आई, और परमेश्वर ने नूहा भविष्यवक्ता को कहा, नूहा मैं इस धरती का नाश करने वाला हूँ,
40 दिन और 40 रात बरसात गिरने वाली है, जमीन से भी पानी बाहर आ जाएगा और ये सारी धरती वो पानी में डूब जाएगी। अब देखो उस वक्त तक बारिश ही नहीं गिरी थी। सबसे पहली बात, नूह ने 500 साल की उम्र में बारिश क्या है बरसात क्या है वो देखा नहीं था, क्योंकि इब्रानी में लिखा है कि नूह को बरसात क्या है वो नहीं मालूम था, ये बात उसे सुनी तक नहीं थी। अभी नूह चाहे कितना भी परमेश्वर को मानने वाला हो, लेकिन उसको कैसे पता चले कि बरसात की बात करने वाले परमेश्वर ही है? दिखाई नहीं देते, क्योंकि ये लोग पवित्र नहीं है, परमेश्वर पवित्र है। इंसान तो चाहे कितना भी बड़ा संत बन जाए, लेकिन वो पापी तो है ही है। तो फिर नूह को कैसे पता चल गया होगा कि ये परमेश्वर की ही आवाज़ है और ये परमेश्वर ही बोलोगे? फिर एक बार मूसा वो भेड़ बकरी चरा रहे थे, अचानक उन्होंने देखा कि एक पेड़ था वो जल रहा था, लेकिन भस्म नहीं हो रहा था। अरे कोई भी चीज़ जलती है तो भस्म हो जाती है, हरे पेड़ हरा जो पत्ता है वो जल जाएगा अगर तो सूख जाएगा, उसके बाद राख बन जाएगा, नीचे गिर जाएगा। और अगर पूरा पेड़ जल रहा है तो एक पत्ते को जलने में टाइम नहीं लगता, लेकिन जब मूसा देख रहे तो पत्ते वैसे के वैसे वो गिर नहीं रहे, वो भस्म नहीं हो रहे। मूसा ने देखा चमत्कार कैसा, इसलिए मूसा वो चमत्कार देखने के लिए पास में चले गए। वो तभी अंदर से आवाज आई कि मूसा मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं अब्राहम का, मैं इसहाक का, मैं याकूब का परमेश्वर हूँ और मैं इसराइल लोगों को बचाने के लिए मैं ऊपर से नीचे आया हूँ। अभी यहाँ पर तो परमेश्वर ने अपनी पहचान दे दी मूसा को, मूसा को विश्वास करना आसान है, मैं तेरे पूर्वज अब्राहम इसहाक और याकूब का परमेश्वर। लेकिन अगर मूसा की जगह पर अपने आप को देखते हैं तो वहाँ पर भी शक करने लायक बातें हैं। इसराइल आज का कहाँ गुलाम है, वो तो 400 साल से गुलाम है। अभी परमेश्वर ने जो वाचा बांधी थी वो अब्राहम के साथ लिखी कहाँ गई थी अभी तक? अगर मूसा के पास लिखती रूप में होता है कि परमेश्वर ने ऐसा बोला है तो वो अंदाज लगा देता, हाँ 400 साल होने को आया तो ये बात सही है, परमेश्वर ही आए। लेकिन अगर परमेश्वर है और आज ऐसा सोच रहे परमेश्वर के मैं इसराइल को बचा लूँ उनको छुड़ा लूँ, तो 400 साल तक कहाँ थे परमेश्वर? क्या सही में परमेश्वर की आवाज़ है? देखो आज हमारे पास लिखा हुआ है तो हम, हो सकता है परमेश्वर बाइबल से अगर हमारे साथ कुछ बातें कर ले तो हम मान ले कि हाँ परमेश्वर की आवाज़ है, हम घुटनों के बल आ जाए उनके पास। लेकिन इंसान परमेश्वर को देख नहीं सकता, ना अब्राहम ने देखा है, ना नूह ने देखा है, ना मूसा ने देखा है। उन लोगों के पास परमेश्वर की आवाज़ आई, लेकिन उन लोगों को पता कैसे चला होगा कि ये जो आवाज़ है वो परमेश्वर की आवाज़ है? एक बार तो परमेश्वर ने इलिया से भी बात कर ली और इलिया को कहा, इलिया तू पहाड़ के ऊपर आ जा, मैं तुझे मिलने के लिए आ रहा हूँ। अब इलिया भविष्यवक्ता को तो परमेश्वर ने ऐसा बोला, मैं तुझे मिलने के लिए आ रहा हूँ, तू पहाड़ में गुफा में तू बैठना और जब मैं आऊँ तू मिलने के लिए मुझे बाहर निकलना। तो इलिया वहाँ गुफा में जाकर बैठे, जैसे ही बैठे वैसे क्या हुआ, वहाँ पर एक जोरदार आंधी आई और पहाड़ को पत्थर को चकनाचूर करने लगी। लेकिन इलिया ने देखा, बोले नहीं इसमें नहीं हो सकते परमेश्वर, इसमें नहीं है। उसके बाद धरती कंप हुआ। अभी देखो परमेश्वर ने अभी भी बोला, तू पहाड़ पर आ जा, गुफा में बैठ, मैं आ रहा हूँ तुझसे मिलने के लिए। अभी इतने सामर्थ्य परमेश्वर, हो सकता है आंधी के साथ आए, लेकिन इलिया नहीं बाहर आए। फिर धरती कंप हुआ, फिर भी इलिया बाहर नहीं आए। फिर बड़ी जोरों की आग आई, लेकिन फिर भी देखने के लिए इलिया भविष्यवक्ता बाहर नहीं आए। फिर उसके बाद एक आवाज़ आई, एक कोमल सी आवाज़, इलिया कहाँ है तू? और इलिया तुरंत बाहर निकले। अभी देखो पहले तीन बार इलिया क्यों नहीं निकले, इलिया को कैसे पता चला कि ये परमेश्वर नहीं है, ना इस आंधी में है, ना इस धरती कंप में है, ना इस आग में है। लेकिन जब कोमल आवाज़ आ गई तो इलिया को कैसे पता चल गया कि कोमल आवाज़ जो है वही परमेश्वर की आवाज़ है?
क्या परमेश्वर की आवाज मतलब कोमल ही आवाज है कि जिसके कारण अब्राहम को पता चल गया, जिसके कारण नूहा भविष्यवक्ता को पता चल गया, जिसके कारण मूसा को पता चल गया? परमेश्वर की आवाज सही में है कैसी? भजन संहिता में तो ऐसा लिखा है, उसका 29वां अध्याय, भजन संहिता उसका 29, उसका 7, 8 और 9 पद को पढ़ो तो। देखो परमेश्वर की आवाज ऐसा लिखा है कि जो जंगल होता है उसको हिला देती है, और देखो जो हिरनी होती है उसके पेट में अगर गर्भ में बच्चा भी होता है तो वो होता है वो भी गिर जाते हैं। अब समझो परमेश्वर की आवाज़ कितनी भारी होगी, उनकी आवाज़ कितनी भारी होगी कि जंगल के जो पेड़ होते हैं उसके पत्ते गिरने लग जाते हैं, डालियाँ टूटने लगती है, और अगर हिरनी गर्भवती हो तो उसका गर्भ गिर जाता है। इसका मतलब परमेश्वर की आवाज़ बहुत ही पावरफुल होनी चाहिए, बहुत ही ज़ोरदार होनी चाहिए। लेकिन एलिय्याह के वक्त ऐसा लिखा है एक कोमल सी आवाज़, एक कोमल सी आवाज़, और एलिय्याह बाहर निकले। देखो यहाँ पर परमेश्वर की आवाज़ कोमल है। भजन संहिता में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर की आवाज़ वो तो बहुत ही गर्जना करने वाली आवाज़ है। 29वां अध्याय पूरा पढ़ना, वहाँ पर लिखा है जैसे बहुत सारा पानी इकट्ठा होता है और वो कहीं से गिरता है पानी, तो वहाँ आवाज़ कैसी आती? कभी समुद्र के किनारे जाना, वहाँ जो लहरें आती है ना, वो लहरों की भी आवाज़ इतनी होती है कि जोरों जोरों से बातें करनी पड़ती है। तो बहुत सारा पानी इकट्ठा हो और कहीं से गिरता हो तो आवाज़ कैसी होगी? और वहाँ पर ऐसा लिखा है कि परमेश्वर की आवाज़ ऐसी है। अगर परमेश्वर की आवाज़ ऐसी गर्जना करती है, और एलिय्याह बोलते हैं कि परमेश्वर की आवाज़ एक कोमल सी है, चाहे कोमल सी है चाहे गर्जना करती है, लेकिन एलिय्याह ने कोमल आवाज़ को पहचान लिया कि यही परमेश्वर की आवाज़ है। मूसा के साथ कैसे बात की मालूम नहीं, और फिर नूहा भविष्यवक्ता के साथ कैसे बात की मालूम नहीं, अब्राहम के साथ कौन सी आवाज़ में बात की मालूम नहीं, लेकिन उन लोगों को पता चल चुका कि परमेश्वर की आवाज़ है, और वो लोग परमेश्वर के पीछे वो अच्छी तरह से वो चलने लगे। अभी क्या हुआ, मूसा के अंदर जब परमेश्वर की आवाज़ आई तो मूसा ने परमेश्वर के सामर्थ्य से बहुत सारे चमत्कार करते हुए इज़राइल लोगों को बाहर निकाल दिया। अभी ये सभी लोग रास्ते में है, और एक बार फिर परमेश्वर बोलता है मैं मिलने के लिए आता हूँ, और परमेश्वर मिलने के लिए आए। जब परमेश्वर मिलने के लिए आए तो पूरी आग लेकर आए, और एक पहाड़ था वो पूरी तरह से जलने लगा, और परमेश्वर उस आग में थे, और आग के अंदर से परमेश्वर की एक आवाज़ आई। मालूम नहीं वो आग कैसी थी, वो परमेश्वर की आवाज़ कैसी थी कि सारे इज़राइल लोग डर गए। वो सब लोग मूसा के पास आ गए, मूसा परमेश्वर को बोला आवाज़ बंद कर, हम लोग डर रहे। मूसा बोलते नहीं परमेश्वर से डरने की ज़रूरत नहीं है, उससे मत डरो। अभी ध्यान से समझो, परमेश्वर की आवाज़ आ रही है, उस आवाज़ से सारे इज़राइल लोग डर रहे, तो उनको आवाज़ कैसी सुनाई देती होगी? और मूसा को बोलते तो मूसा ऐसा कहते हैं उनसे मत डरो, मतलब मूसा को वही आवाज़ से डर नहीं लगता। तो आवाज़ में है क्या कि कुछ लोग डर जाते हैं और मूसा नहीं डर रहे? तो उन लोगों ने बोला नहीं मूसा हमें डर लगता है, तू ऐसा कर तू परमेश्वर के पास जा, और परमेश्वर के पास जाकर तू परमेश्वर से सुन अकेले में, और तू जो सुनेगा वो हमें आकर सुनाना, हम तेरी मान लेंगे, तू परमेश्वर से सुनना और हम तुझसे सुनेंगे। अभी अगर आप बाइबल पढ़ोगे निर्गमन से लेकर व्यवस्था विवरण तक अगर आप पढ़ोगे तो उसमें परमेश्वर ने मूसा के साथ बात की, और मूसा के साथ जो भी बातें की वैसी ही बात मूसा ने लोगों से आकर कह दी। और वहाँ पर ऐसा लिखा है और मूसा ने इतनी इतनी बात कह दी जिस तरह से उसे परमेश्वर ने कहा था, मतलब जैसे ही परमेश्वर ने कहा था एक बिंदी तक का उसने उधर उधर नहीं किया, और मूसा ने वही बात जो परमेश्वर जैसे बोलते थे वैसे ही
थोड़ा सा भी इधर उधर किए बिना मूसा ने वो सारी बातें सिखा दी। देखो परमेश्वर बहुत लंबी बात करते, मूसा ने सारी सुन ली, मूसा ने सारे मुंह जुबान कर ली, मूसा ने लिख भी दी, और जैसे ही परमेश्वर ने कहा था वैसा ही एक शब्द भी इधर उधर किए बिना मूसा ने वो सारी बातें आकर इसराइल लोगों को बता दी। अब ध्यान से समझना, परमेश्वर डायरेक्ट बात किससे करते, मूसा से करते। मूसा वही बात थोड़ा सा भी इधर उधर किए बिना वही सारी बात किसको बता रहे हैं, पूरे इसराइल को बता रहे, परमेश्वर मूसा को, मूसा परमेश्वर को। अभी इससे क्या होता है, जब परमेश्वर की आवाज़ हम सुनते, जब परमेश्वर की आज्ञा हम सुनते, जब बाइबल हम समझते, जब बाइबल हम ग्रहण करते, जितना उसको सुनेंगे, जितना इसको ग्रहण करेंगे, हम आत्मा में बढ़ते जाएंगे, हम आत्मा में बढ़ते जाएंगे। अब परमेश्वर से मूसा सुनते तो वह आत्मा में बढ़ेंगे। अब मूसा वही बात इसराइल लोगों को सुनाते थोड़ा सा भी उधर इधर उधर किए बिना, तो जितना मूसा बढ़ते हैं उतने ही इसराइल पुत्रों को भी बढ़ना चाहिए। लेकिन इसराइल के लोग बढ़े इतना, इसराइल प्रजा नहीं बढ़ी। कैसा होता है, स्कूल में टीचर सिखाते, चाहे 50 बच्चे हैं चाहे 60 बच्चे, सभी साथ में बैठे हुए, जो भी मैडम ने, सर ने, टीचर ने जो भी सिखाया, सभी के सामने सिखाया, जो पहले वाले ने सुना वही आखिरी वाले ने भी सुना, टीचर ने जो भी सिखाया सभी के लिए एक समान सिखाया, लेकिन सभी के 100 में से 100 आए, सभी के 100 में से 80 आए, सभी के एक समान क्यों मार्क नहीं आए, क्यों किसी के 100 आए, किसी के 90 आए, किसी के 80 आए, कोई फेल भी हो गया, इसका कारण क्या, क्या सिखाने में कुछ कमजोरी थी, सिखाया सब साथ में, जब सिखाया साथ में एक ही बात सिखाई, एक ही समय पर सिखाई, तो फिर सभी के मार्क एक ही समान आने चाहिए। लेकिन ऐसा हम स्कूल में देखते नहीं है। मूसा ने जो सुना वही मूसा ने लोगों को सुना, तो मूसा आत्मा में इतने बढ़ गए कि मूसा की बात बाइबल में, नए नियम में भी लिखी हुई है, नए नियम में मूसा को महिमा दिया हुआ है। जिस तरह से मूसा ने पित्तल का सांप बनाकर मूसा ने जंगल में उसको ऊंचा किया, उसी तरह से यीशु मसीह को ऊंचा करने की जरूरत, मूसा को याद किया प्रभु यीशु ने, पौलुस ने भी याद किया कि लोगों ने मूसा का बपतिस्मा लिया, ऐसे उन्होंने भी मूसा को याद किया, प्रभु यीशु ने भी याद किया। लेकिन इसराइल के लोग जो उस वक्त थे, उन एक एक का नाम ले लेकर परमेश्वर ने उनको नए नियम में याद नहीं किया, क्योंकि जैसे मूसा बढ़े वैसे ये लोग नहीं बढ़े। एक बार कहीं पर मीटिंग थी, तकरीबन 16-17 दिन की मीटिंग थी, वहाँ पर कुछ सिखाया जाने वाला था, और वहाँ पर कुछ लोग गए, जो गए उनमें से एक भाई साहब जो थे वो बाकी लोगों से आगे निकल गए, बाकी के पीछे रह गए, जबकि सभी लोग एक ही जगह पर सीखे, एक ही टीचर ने सिखाया, एक ही बार में सिखाया, जो पहले को बोला वही दूसरे को बोला, सभी को साथ में बिठा कर ही सिखाया, सभी के लिए एक समान ही समय निकाला, तो उसमें से एक ही क्यों आगे बढ़ा, बाकी के लोग क्यों पीछे रह गए, इसका कारण क्या। जो परमेश्वर बोलते वो मूसा सुनते, जो मूसा सुनते वही इसराइल को बताते, लेकिन फिर भी मूसा आगे बढ़ जाते लेकिन इसराइल के लोग आगे नहीं बढ़ते। अभी देखो जो नहीं बढ़ते उसमें समस्या कहाँ पर है, सिखाने वाले ने सही सिखाया, एक समान सिखाया, मगर सिखाने वाले की जिम्मेदारी ख़त्म हो गई, सिखाने वाले सभी को एक ही समान सिखाया, फिर भी कोई आगे कोई पीछे, तो इसका मतलब है जो भी समस्या है वो सुनने में है। हालेलुया, समस्या कहाँ पर है, सुनने में समस्या है। जब वचन सही से नहीं सुनाई देता, लोग सही से नहीं सुनते, तब कोई आगे बढ़ जाता है, जिसने अच्छे से सुना है, जिसने ध्यान लगाकर सुना वो आगे बढ़ जाता है, और जिसने नहीं सुना वो पीछे रह जाता है।
मैं कई बार बोलता हूँ सभी लोग वचन में ध्यान लगाओ, चाहे पीछे से कोई भी आए, झुलेट आए, कहीं से भी आए, कहीं पर बैठा बैठे दो, लेकिन फिर भी निगाह पलट कर जाती है और उस वक्त जो बोला जाता है वो तो दिमाग में आता ही नहीं। लेकिन जो लोग ऐसे नहीं, ऐसा बताया गया हमें ध्यान लगा कर सुनना है, तो दूसरों से क्या हो जाएगा, वो आगे निकल जाएगा, क्योंकि उसने कुछ शब्द ज़्यादा सुने, उसके लिए ज़्यादा नहीं पुकारे, लेकिन उसने कुछ शब्द जो है उसने ज़्यादा सुने, इसलिए वो इंसान जो है वो आगे निकला है। अभी प्रभु यीशु ने 12 चेले को ठहराए और 12 चेले को प्रभु यीशु अपने साथ रखते थे, 12 चेले को प्रभु यीशु कुछ सिखाते थे और 12 चेले प्रभु यीशु के साथ रहकर प्रभु यीशु के जो वचन प्रभु यीशु और लोगों को सिखाते थे वो भी, और चेलों को सिखाते थे वो भी, ये 12 चेले साथ में बैठकर वो सीखते थे। और परमेश्वर चाहे किसी और को कुछ सिखाए या ना सिखाए, लेकिन 12 चेलों को पक्का सिखाते थे। कई बार प्रभु यीशु दृष्टांत बोलते थे, लोग दृष्टांत सुनकर चले जाते थे, लेकिन 12 चेले क्या करते थे, प्रभु यीशु को पूछते थे, प्रभु इसका दृष्टांत का मतलब क्या हो तो बताओ, तो प्रभु उनको कुछ ज़्यादा भी सुना देते थे, क्योंकि दूसरे लोग जो होते थे वो लोग वहाँ से चले जाते थे। जब परमेश्वर ने पौलुस को चुना तो पौलुस को एक आवाज़ आई, तो पौलुस वो आवाज़ सुनकर प्रभु यीशु के पीछे चलने वाले बन गए। वही आवाज़ उनके साथ जो लोग थे उन्होंने भी सुनी थी, लेकिन वो लोग आगे नहीं बढ़ पाए। क्यों? क्योंकि उनको ऐसा लगा होगी आवाज़ आई होगी कहीं से, लेकिन पौलुस ने उसको गंभीरता से लिया, उस आवाज़ को हृदय में उतारा, नहीं ये तो यीशु की आवाज़ है जिसको मैं मारने के लिए निकला हूँ, जिसको मैं सता रहा हूँ, लेकिन वो तो जीवित है, चलो भी उसके पीछे चलते, तो उनका जीवन बदल गया। लेकिन वही बात जिन्होंने ध्यान से नहीं सुनी तो वो लोग पौलुस के साथ वो लोग एक नहीं हो पाए। प्रभु उसने जो जो उपदेश किए वो सारे चेलों ने सुना, लेकिन एक बार अब ध्यान से समझना कि एक बार चेले प्रभु यीशु के पीछे आते आते बात कर रहे थे, हमें से बड़ा कौन। हालेलुया। अभी प्रभु यीशु ने कभी ऐसा सिखाया था क्या आप लोगों को, ऐसा तय करना है कि हम लोगों में से बड़ा कौन है? प्रभु से कभी ऐसी बात सिखाई थी क्या? प्रभु से मुँह से ऐसे कोई शब्द निकले थे कि कोई बड़ा होना चाहिए, कोई छोटा होना चाहिए, या 12 लोग हैं तो 12 में से एक को बड़ा होना चाहिए, एक को 11 लोगों का मुखिया बनना चाहिए, क्या प्रभु से ऐसा सिखाया था? हाँ या ना, प्रभु से सिखाया था ऐसा? नहीं सिखाया था, अभी नहीं सिखाया था, प्रभु से ऐसे शब्द बोले नहीं थे, तो 12 चेलों के दिमाग में आया कहाँ से? जब प्रभु यीशु बोले ही नहीं तो फिर ये 12 चेले के दिमाग के अंदर ये बात आई कैसे? एक बार तो ये 12 चेलों ने प्रभु यीशु से कहा कि प्रभु हम लोग आ रहे थे तो रास्ते में एक इंसान मिला हमको, वो तेरे नाम से भूत प्रेत निकालता था, हम सभी ने उसको मना कर दिया कि तू मत निकाल, तू हमारे साथ चलता है, इसको बोलते डा अदेखा आना। क्या प्रभु यीशु ने ऐसा बोला था कि तुम्हारे अंदर ऐसा होना चाहिए? जब प्रभु यीशु ने ऐसा सिखाया नहीं तो इनके जीवन में ये बात आई कहाँ से? चेलों के दिमाग में ये बात आई कहाँ से? उन्होंने प्रभु से ऐसा क्यों कहा कि हमने ऐसा किया किसी के साथ, हमने किसी को मना कर दिया? एक बार प्रभु यीशु चले जा रहे थे और उस शहर वालों ने प्रभु यीशु को अंदर नहीं आने दिया, बोले बाहर से निकल जा हमारे शहर में तू मत आ। तो चेले क्या बोलते, क्या प्रभु यीशु हम यहाँ पर प्रार्थना करें, आग गिराए आकाश से सभी को जला दे? तो क्या प्रभु यीशु ने कभी ऐसा सिखाया था कि कोई हमें ना बुलाए तो उसको जला दो, उसके ऊपर आग बरसाओ? ऐसा प्रभु यीशु ने नहीं सिखाया था। अभी देखो ये 12 चेले प्रभु यीशु के साथ रहते थे, प्रभु यीशु का प्रचार सुनते थे, उपदेश सुनते थे, प्रभु यीशु ने कभी उनको ऐसा नहीं सिखाया, तो भी ये 12 चेले के अंदर ऐसी बातें आया करती थी। और लुका में ऐसा लिखा है, हम पढ़ते हैं लुका रचित सुसमाचार उसका 21वां अध्याय, लुका रचित सुसमाचार उसका 21वां अध्याय और उसका 37 पद। और वह दिन को मंदिर में उपदेश करता था और रात को बाहर जाकर देखना बाहर पर रहा करता था। बाइबल में ऐसा लिखा है कि प्रभु यीशु पूरे दिन क्या करते थे, प्रचार करते थे। प्रचार में तो प्रभु यीशु के चेले उनके साथ ही रहते थे,
लेकिन रात को क्या होता था, प्रभु यीशु चले जाते थे जैतून नाम के पहाड़ के ऊपर और वो वहाँ जाकर पूरी रात प्रार्थना में बिता देते थे। अभी चेले पूरी रात प्रार्थना नहीं कर सकते थे प्रभु यीशु के साथ। पूरी रात तो क्या, जब प्रभु यीशु को मरना था तब प्रभु यीशु ने एक घंटा प्रार्थना की और तब भी पतरस, यूहन्ना, याकूब सब सो गए थे। तब प्रभु यीशु ने बोला था कि आप लोग मेरे साथ एक घंटा भी जाग नहीं सकते। ये लोग तो एक घंटा भी प्रार्थना नहीं कर सकते थे। तो प्रभु यीशु वहाँ पूरी पूरी रात प्रार्थना में बिता देते थे। तब चेले अकेले होते थे। अब जब अकेले होते थे तो हो सकता है कहीं न कहीं जाकर वो लोग कुछ न कुछ तो सुनते थे। हो सकता है किसी ऐसे वैसे लोगों के पास गए होंगे, ऐसे वैसों के साथ बैठे होंगे, या तो जो शास्त्री लोग थे, फरीसी लोग थे, उनके साथ बैठे हुए होंगे, कुछ मालूम नहीं। लेकिन जो परमेश्वर ने प्रभु यीशु ने नहीं सिखाया, ऐसी बात इनके जीवन में आई कहाँ से, ऐसी बात इनके जीवन में आई कहाँ से, स्कूल में जो सिखाया है नहीं, वो किसी विद्यार्थी के दिमाग में आएगा कैसे जब सिखाया ही नहीं। तो एक बार एक लड़की थी, तो टीचर ने उसको बोला कि मैं तुझे एक सेब देता हूँ, एप्पल, फिर एक बार एक देता हूँ, फिर तीसरी बार भी एक देता हूँ, तेरे पास कितने सेब हो गए। तो लड़की गिनने लगी, फिर बोलते मेरे पास चार हो जाएंगे एप्पल। टीचर नाराज से हो गए, उनको ऐसा कि इसको आ जाएगा, लेकिन इसने चार बोल दिया। टीचर उसको फिर से समझा, देख मैं तुझे एक एप्पल देता हूँ, उसके बाद फिर से एक एप्पल देता हूँ, उसके बाद फिर से एक एप्पल देता हूँ, तेरे पास कितने हुए। लड़की भी देख रही है कि मेरे जवाब से इनको संतुष्टि नहीं हुई, इसे फिर से गिनने लगी, फिर बोलते चार। टीचर को थोड़ा सा क्रोध आया, बोले कोई बात नहीं, चलो इसको कुछ और तरीके से सिखा दे। अभी लड़की को स्ट्रॉबेरी बहुत अच्छी लगती थी, तो बोले मैं तो उसे एक स्ट्रॉबेरी देती हूँ, फिर दूसरी, फिर एक बार और देता हूँ, अब तेरे पास कितनी स्ट्रॉबेरी हो गई। वो लड़की गिनती है, बोलती है तीन। अभी मैडम खुश, हाँ तीन, अच्छी बात, सही बात, अभी ध्यान से सुनना, मैं तो उसे एक एप्पल देता हूँ, उसके बाद एक और एप्पल देता हूँ, उसके बाद एक और एप्पल देता हूँ, तेरे पास कितने एप्पल हो गए। वो गिनकर बोलते चार। वो स्ट्रॉबेरी तीन होती है, टीचर जो था वो गुस्सा हो गया, जब स्ट्रॉबेरी तीन होती है एप्पल कैसे चार होता है। बोले घर से लेकर आई हूँ ना, घर से लेकर आ, पड़ी पड़ा है मेरे पास। जो टीचर सिखाता नहीं वो आएगा कैसे। लड़की सही बोल रही है, लेकिन जो बात टीचर ने सिखाई नहीं ऐसी कहीं से सीख कर आ जाए। तो जो चेलों को हमारे परमेश्वर ने सिखाया ही नहीं वो चेलों के जीवन में आया कहाँ से, हम में से बड़ा कौन, उनमें देखा है कहाँ से आ गए, डह कहाँ से आ गई, किसी को भूत प्रेत निकालने से मना क्यों कर दिया, उन लोगों के जीवन में ऐसा क्यों आया कि हम आग गिरा कर सभी लोगों को जला देते, ऐसा आया क्यों जबकि यीशु मसीह ने ऐसा सिखाया नहीं। इसका मतलब ये कहीं और जाकर भी कुछ न कुछ सीख कर आए, वो कहाँ गए मालूम नहीं। लेकिन रात में इनके पास समय मिल जाता था, देखो क्योंकि रात में प्रभु यीशु अकेले होते थे, वो प्रार्थना करते थे, चेले लोग अकेले रहते थे, तो रात में इनको समय मिल जाता था। यहूदा जो था इस्करियोती, वो चोरी करते थे, सो चोरी तो सबके सामने धीरे से कर लेते होंगे, लेकिन जब प्रभु से चोरी करना सिखाया नहीं उनको, सो चोरी की भी बात छोड़ो, लेकिन उन्होंने प्रभु से का सौदा मार दिया। तो सौदा मारने के लिए याजक लोगों के पास गए तो सही नहीं, तो कब गए याजक के पास, जबकि ये तो यीशु मसीह के चेले थे, तो यीशु मसीह के साथ ही रहना था, तो गए कब। मतलब इनको कभी कभी कहीं ना कहीं समय मिल जाता था जब यीशु मसीह को छोड़कर कुछ और एक किया करते थे, इसीलिए इनके जीवन में ऐसी घटनाएं आ गई। कई जगह पर तो प्रभु यीशु सिर्फ तीन चेले को लेकर जाते थे, यूहन्ना, पतरस और याकूब, तो बाकी नौ के लिए तो समय था ना कहीं पर भी जाकर आने का। ये तीन को लेकर गए तो भी टाइम लगेगा, दो घंटे हमारे पास, चलो किसी से मिलकर आते। तो कहीं ना कहीं से जाकर ये लोग ऐसी बातें सीख कर आए थे और इसलिए उनको ऐसा लगता था हम में बड़ा कौन, इसलिए लोग सोचते थे कि आग गिराकर मार दे क्या सभी को, इसलिए इनके अंदर डह आ चुकी थी और किसी को इन लोगों ने भूत प्रेत निकालने से इन्होंने मना कर दिया। बुद्धिया समझ तक प्रभु यीशु ने अपने चेलों को
इसमें से कुछ भी नहीं सिखाया था। एक बार प्रभु से पूछा, मैं कौन हूँ, आप लोग क्या मानते हो? तब कोई बोले, उससे पहले पतरस ने बोल दिया कि प्रभु आप तो जीवित परमेश्वर के बेटे हो। और तब प्रभु से कहा कि पतरस, तुझे ये किसी लहू और मांस से नहीं बताया, लेकिन ये तुझे किसने बताया? स्वर्गीय पिता ने बताया। लेकिन सही में तो ये पतरस को ये बात याद रह गई प्रभु यीशु के साथ रहकर। लेकिन प्रभु यीशु एक बार ऐसा बोले थे, और बाइबल में भी लिखा है, हम पढ़ते हैं यूहन्ना में, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय और उसका 36वां पद पढ़ो कोई। तो जिसे पिता ने पवित्र बनाकर जगत में भेजा है, तुम उससे कहते हो कि तू निंदा करता है, इसीलिए कि मैंने कहा कि परमेश्वर का पुत्र हूं। हाँ, प्रभु से ने सब बोला था, मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ। ये बात पत्रस से सुनी थी। और देखो, प्रभु यीशु ने अकेले में नहीं बुलाया, उस वक्त सारे चेले मौजूद थे और भी पब्लिक वहाँ पर थी। और प्रभु यीशु ने ऐसा बोला कि मैं परमेश्वर का बेटा हूँ, मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ। तो जब प्रभु यीशु ने पूछा मैं कौन हूँ, तो पत्रस ने तुरंत जवाब दे दिया, क्यों? पहले सुना था, सीखा था, तो सीखी हुई बात जो थी वो उससे बता दी। लेकिन जब प्रभु यीशु मर रहे थे क्रूस के ऊपर, तो वहां पर ऐसा लिखा है, हम पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 27वां अध्याय, मत्ती 27 उसका 40वां पद। और यह कहते थे कि है मंदिर को ढाने वाले और 3 दिन में बनाने वाले, अपने आप को तो बचा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो क्रूस पर से उतर आ। यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो क्रूस पर से उतर आ। अभी ये बात और लोगों ने कही, मतलब यीशु मसीह ने जब ये बात बोली तब चेले भी थे साथ में, और लोग भी कई लोग थे जिन्होंने ये बात सुनी थी। यीशु मसीह ने अकेले में ये बात नहीं बोली थी, मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ। अभी देखो, सुनने वाले दो तरह के, एक ने यह बात कैसे ली, प्रभु यीशु ने पूछा मैं कौन हूँ, तो पतरस कैसे बोलता है, पूरे प्यार से बोलता है, प्रभु तू तो परमेश्वर का बेटा है, तू तो जीवित परमेश्वर का पुत्र है। और यही बात पत्रस के साथ जिन लोगों ने सुनी है, वो जब प्रभु यीशु मर रहे बोलते हैं अपने आप को परमेश्वर का बेटा कहता था, हो तो उतरा, बता दे हमको तू परमेश्वर का बेटा। देखो, दोनों ने सुना था। एक बोलता है मैं इंजीनियर हूँ, सुनने वाले दो, एक खुश हो जाता, क्या बात है तो इंजीनियर है, और दूसरा क्या बोलता, देखना अपने आप को इंजीनियर बोलता है। सुना दोनों ने सही, लेकिन सुनने का तरीका कुछ अलग से, सुनने का तरीका अलग से। कई बार कैसा होता है कि कोई इंसान पसंद ही नहीं है, ये इंसान नहीं पसंद है बस, तो वो चाहे कितनी भी अच्छी बात बोले, सुनने वाला कैसा सुनता है, ये झूठी बोलने वाला है, ये गलत ही बोलने वाला है, वो पहले से ही ऐसे सुनता है उसको। और जो उसको मानता है वो कैसे सुनता है, वो प्यार से सुनता है, क्योंकि उसके अंदर उसकी इज्जत है। लेकिन एक ही बात अगर दो लोग सुने, लेकिन दो लोग कैसे सुनते हैं, वो जैसे सुनते हैं, ऐसी ऐसी असर उन लोगों के ऊपर आती है। तो सुनते हैं जो इंसान, वो कैसे सुनते हैं वैसे असर आते। एक बार एक भाई साहब थे, मेरे उनसे बात चल पड़ी, वो मुझसे बोलने लगे, मैं बहुत प्रार्थना करता हूँ, बरसों से प्रार्थना करता हूँ, लेकिन मेरी प्रार्थना परमेश्वर नहीं सुनते। मैं इतना विश्वास करता हूँ कि मेरा जितना विश्वास तो आपको भी नहीं होगा। और मैं देखो, दिन में सिगरेट के 2 बंडल पूरा करता हूँ, और शाम को जब मैं पोटली पीने बैठता हूँ तो 5 पोटली ख़त्म कर देता हूँ, लेकिन विश्वास में जो करता हूँ ऐसा तुम्हारा भी विश्वास नहीं है। लेकिन एक मुझे सवाल है कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना सुनते क्यों नहीं? अभी देखो, जो दिन में 20 सिगरेट पी जाता हो, 5 पोटली पी जाता हो, बड़ी बातें करता हो, मैं विश्वास करता हूँ, उसकी परमेश्वर सुनेंगे कैसे? ऐसे लोगों की परमेश्वर नहीं सुनते क्यों? तो उन्होंने बार बार बातें बताई और बार बार पूछने लगे कि आप मुझे इसका उत्तर देकर जाओ, परमेश्वर मेरी क्यों नहीं सुनते। मैंने भाई साहब को बोले, भाई साहब आप सब कुछ जानते हो, तो फिर आप शराब पीना बंद कर दो ना, सिगरेट पीना बंद कर दो, परमेश्वर आपकी सुनेंगे। आप सिगरेट पीते हो और ये जो पोटली पीते हो ना, इसलिए परमेश्वर आपकी नहीं सुनते। मैंने ऐसे अंदाज में कहा,
वो भाई साहब ने किसी और को जाकर बताया, वो स्टैंड ले आया था मेरे वहाँ, बोलता है पोटली पीता है, सिगरेट पीता है, तेरे कौन सुनेगा परमेश्वर। अभी देखो कितना अलग हो गया। मैंने ऐसा ही कहा था लेकिन तरीका अलग था, उन्होंने भी सुना लेकिन किसी और जगह पर बताया तो पूरी अलग रीति से बताया, शब्द वही है, बोलने का जो तरीका है वो बदल गया, बातें इधर की उधर हो जाती, एक ही शब्द लेकिन सुनने वाला क्या समझेगा, कितनी नफरत से बोला गया इसको, घमंड से बोला होगा। तो हम सुनते हैं कैसे, तो जैसे इंसान सुनता है वैसे उसके दिल में ये सारी जो बातें हैं वो बातें उसके अंदर जाती है। प्रभु यीशु जब इस धरती पर थे वो चमत्कार करते रहते थे, लोग सुन सुनकर आते थे उनके पास, जिसको 12 साल से लहू बहता था उसने सुना प्रभु यीशु के बारे में कि चमत्कार होते, वो पीछे गए प्रभु यीशु का पल्लू छू लिया और उसको चंगाई मिल गई। एक बार कोढ़ी लोग आए, दूसरे चिल्लाने लगे, हम जानते हैं कि तू हमको चंगाई दे सकता है, तो हमको चंगाई दे दे, सुन सुन कर आते थे। एक बार तो अंधे लोग भीख मांग रहे थे, उनको पता चला यीशु जा रहे, तो उन्होंने भी जोरों जोरों से आवाज लगाई, ये दाऊद के बेटे हम पर दया करो। प्रभु सुन बोला क्या करो, बोले बस हम आँखों से देख सके, क्योंकि उन्होंने सुना था यीशु मसीह के बारे में कि अंधे को आँखें भी दे सकते, तो उन्होंने प्रभु यीशु से मांगा। लेकिन एक बार प्रभु यीशु ने चमत्कार किया, चमत्कार ये था कि 5000 पुरुष लोग थे, स्त्रियां और बच्चे अलग से, उन सभी को 5 रोटी और 2 मछली में से खाना खिलाया, सभी लोगों ने पेट भरकर खाया, फिर भी 12 टोकरी बच गई। तो लोगों ने देखा ये अच्छा इंसान है, अच्छा उपदेश भी करता है और उपदेश करने के बाद खाना भी अच्छा ही खिलाता है, तो बोले चलो कुछ हो गया हो या ना हो लेकिन इसके पीछे चलने से खाना तो मिल जाएगा, और वो भी वेजिटेबल नहीं नॉन वेजिटेबल। तो बोले चलो इसके पीछे जाते, तो सभी लोग यीशु मसीह के पीछे पीछे ढूंढते ढूंढते यीशु मसीह को मिल गए, और उन्होंने बोला यीशु हमने कितना खोजा आपको, कितना ढूंढा तब आप मिले। यीशु मसीह ने बोला मुझे मालूम है आप लोग ने रोटी खाई ना मछली खाई ना इसलिए मुझे ढूंढते हो, मैंने जो चमत्कार किए ना इसलिए आप मुझे नहीं ढूंढते। अभी देखो ये चमत्कार उन्होंने किया था, इनके सामने ही किया था, इन लोगों ने चमत्कार देखा था, उन्होंने वो चमत्कार की जो रोटी थी मछली थी खाई भी थी। लेकिन यूहन्ना में ऐसा लिखा है, हम पढ़ते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय और उसका 30वां पद, तब उन्होंने उससे कहा फिर तो कौन का चिन्ह दिखाता है कि हम उसे लेकर तेरी प्रगति करें। इन लोगों ने, जिन लोगों ने रोटी खाई थी मछली खाई थी चमत्कार देखा था, वो लोग प्रभु यीशु से ऐसा, तो कौन सा चमत्कार दिखाता है कि हम तेरे पर विश्वास करें। प्रभु यीशु उसको बोला अगर मेरे पीछे आते तो विश्वास करो, तो बोला तू कौन सा चमत्कार दिखा रहा है, जबकि चमत्कार देख कर आए थे, कल की ही बात थी, 5 रोटी और 2 मछली में से खाना खा कर आए थे, पेट भर कर आए थे, 12 टोकरी बची हुई देख कर आए थे, आज भी खाने के लिए ही निकले थे, इसीलिए ढूंढ लिया था यीशु मसीह को। और फिर भी जब यीशु मसीह ने बोला मुझ पर विश्वास करो, तो ये लोग क्या बोलते हैं कि तू कौन सा चमत्कार करता है कि हम तेरे ऊपर विश्वास कर ले, जबकि लोग चमत्कार देख कर आए थे, खाना भी इन लोगों ने खाया था। लेकिन जब इंसान का दिल नहीं है उसके ऊपर, जब इंसान उसको किसी और निगाह से देखता है, तो चाहे एक ही शब्द बोला जाए लेकिन वो शब्द की असर अलग अलग इंसान को अलग अलग से होती है। और इसे बाइबल में लिखा है, हम पढ़ते हैं रोमिया और उसका 10वां अध्याय, रोमियो की पत्री उसका 10वां अध्याय और उसका 16-17 पद, यहाँ पर ऐसा लिखा है कि सुनने से क्या आता है विश्वास, सुनने से क्या आता है विश्वास आता है, इंसान सुनता है तो उसको विश्वास आता है। लेकिन फिर क्या लिखा है सुनना क्या है, तो बोले मसीह के वचन, सुनने से विश्वास आता है
और सुनना क्या होता है, सुनना मसीह के वचन मतलब प्रभु यीशु के वचन सुनने होते। प्रभु यीशु के वचन मतलब ये बाइबल, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक, जो अब्राहम ने सुना, जो नूहा ने सुना, जो मूसा ने सुना, वही वचन। वो वचन मतलब प्रभु यीशु के वचन, वो वचन मतलब मसीह के वचन। तो बाइबल में लिखा है कि सुनने से विश्वास आता है, और सुनना क्या है, मसीह के वचन। हालेलुया। एक बार फिर से पढ़ो कोई 17 पद, रोमी 10 का 17 पढ़ो पढ़ो। हाँ, मसीह के वचन से सुनाया जाता है। जो सुनना होता है हमें, क्या सुनना होता है, मसीह के वचन। और मसीह के वचन मतलब उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक। अगर इस बाइबल को आप उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य को निचोड़ो आप अगर, तो इसमें से अगर एक बूंद निकले तो उस बूंद को कहा जाएगा प्रेम। ये बाइबल को अगर एक शब्द में लिखना है, ये सारे शब्द मिलाकर उसको एक शब्द देना है, तो वो है प्रेम। परमेश्वर क्या है, प्रेम है। परमेश्वर ने क्या सिखाया, एक दूसरे से प्रेम करो। हर संडे इसलिए क्या बताया जाता है, एक दूसरे से प्रेम करो, एक दूसरे का बोझा उठाओ, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। यही बात तो हर संडे सिखाई जाती है। परमेश्वर का वचन क्या है, वो तो है प्रेम। परमेश्वर क्या कहते हैं, प्रेम करो एक दूसरे से। और यूहन्ना में ऐसा लिखा है, यूहन्ना उसका 15 अध्याय उसका 12 और 13 पद, प्रभु से ऐसा कहते जैसा मैंने तुम्हें प्रेम रखा। प्रभु उसने कैसा प्रेम रखा हमसे, हमारे लिए अपनी जान दे दी, हमसे कैसा प्रेम रखा, अपना लहू बहा दिया, हमारे ऊपर कैसा प्रेम रखा, हमें पवित्र आत्मा दे दिया, हमारे ऊपर कैसा प्रेम रखा, हमें आशीष दी, हमारे ऊपर कैसा प्रेम रखा, हमें उद्धार दिया, हमें मुक्ति दी, हमें छुटकारा दिया, हमें चंगाई दी। यह है परमेश्वर का प्रेम। और प्रभु यीशु ऐसा कहते जैसा प्रेम मैंने तुम्हें किया है, वैसा तुम किसके लिए प्रेम करो, डर गए लगता है, वैसा प्रेम किससे करो, एक दूसरे से करो। हालेलुया। एक दूसरे से क्या करो, प्रेम करो। कैसा प्रेम, जैसा प्रभु यीशु ने हमसे किया, प्रभु यीशु आज हमें सिखाते हैं, वैसा ही प्रेम एक दूसरे से क्या करो। और आगे क्या लिखा है, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। यहाँ पर लिखा है कि सबसे बड़ा प्रेम क्या है, अपने मित्र के लिए जान दे देना, अपने मित्र के लिए जान दे देना। परमेश्वर बोलते ये सबसे बड़ा प्रेम है। देखो, मसीह के वचन सुनने से विश्वास आता है, सुनने से विश्वास आता है, और सुनना क्या है, मसीह के वचन। मसीह के वचन को अगर एक शब्द में लिखना है तो वो है प्रेम है। तो प्रभु यीशु क्या सिखाते हैं हमें, एक दूसरे से प्रेम करो। मसीह के वचन में क्या है, एक दूसरे से प्रेम करो। कैसा प्रेम, जैसा प्रभु यीशु ने हमसे किया, वैसा हमें किससे करना है, एक दूसरे से प्रेम करना है। प्रभु वही सिखाते, अपने मित्र के लिए जान दे देना, उससे कोई बड़ा प्रेम वो तो इस संसार में है ही नहीं। फिर पहले कुरंथी में लिखा है, पहला कुरंथी उसका 13 अध्याय, वहां पर क्या लिखा है, उसके 4 पद में, प्रेम धीरजवंत है। धीरजवंत मतलब सहनशीलता, इंग्लिश में लिखा है लॉन्ग सफरिंग। लॉन्ग सफरिंग, सफर का मतलब होता है कि सहन करना। लॉन्ग मतलब लंबे समय तक, लंबे अरसे तक। तो प्रभु बोलते हैं जो धीरजवंत, या गुजराती में जो लिखा है सहनशीलता, या इंग्लिश में लिखा है लॉन्ग सफरिंग, इसका मतलब होता है लंबे समय तक सहन करना। अभी लंबा समय मतलब कितना, प्रभु उसने बोला नहीं है लंबा समय मतलब कितना। प्रभु उसने ऐसा नहीं बोला कि लंबा समय मतलब एक हफ्ता, लंबा समय मतलब एक साल, लंबा समय मतलब 7 साल, ऐसा परमेश्वर ने कुछ भी नहीं लिखा। परमेश्वर ने सिर्फ इतना लिखा कि सहनशीलता, धीरजवंत, बस धीरज धर कर रहो, सहन करते रहो लंबे समय तक। लेकिन कितना लंबा वो नहीं लिखा,
और पहले पत्रस में ऐसा लिखा है, पहला पत्रस उसका पांचवा अध्याय उसका दसवां पद, कोई गुजराती में पढ़ो तो। सर्व कृपानु देव जेने ख्रिस्त में तमने पोताना सर्वकाळना महिमाने सारू बोलाव्या छे ते पोते तमे थोड़ी वार सहन करो त्यार पछी तमने पूर्ण स्थिर तथा बलवान करशे। क्या लिखा है परमेश्वर ने, कितनी देर सहन करो? थोड़ी देर तक। प्रभु से सब बोलते थोड़ी देर तक सहन करो। फिर प्रकाशित वाक्य में लिखा है उसका 22वां अध्याय और 12वां पद, पढ़ो गुजराती में। जुओ हूँ थोड़ी बार में आऊ। हाँ, प्रभु उसने क्या कहा, मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ। सहन करना भी कितना बोला? थोड़ी देर तक। प्रभु उसने क्या बोला, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। थोड़ी देर को कितना समय हो गया? कितना समय होगा थोड़ी देर को? 2000 साल। हालेलुया। कितने साल हो गए? 2000 साल। माइक चालू कर दो। तो थोड़ी देर मतलब कितना हुआ? 2000 साल। हालेलुया। हालेलुया। थोड़ी देर मतलब 2000 साल। परमेश्वर ने क्या बोला, मैं थोड़ी देर में आता हूं। और थोड़ी देर मतलब आज 2000 साल हो गए, अभी तक प्रभु यीशु आए नहीं। प्रभु ने क्या कहा, कब तक सहन करो? तो बोले थोड़ी देर तक सहन करो। तो थोड़ी देर मतलब 2000 साल कम से कम। तो हमें कितना सहन करना है? सिर्फ 2000 साल। हालेलुया। सिर्फ 2000 साल सहन करना है, उसके बाद सहन मत करना है। और मैं तो उसमें भी अभी कम कर देता हूं, सिर्फ 80 साल ही सहन करना है, बाकी मत करना। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है कि प्रेम कैसा है, धीरजवंत। प्रेम कैसा है, सहनशील। प्रेम क्या करता है, सहन करता है। कितना सहन करता है? थोड़ी देर तक। थोड़ी देर मतलब कम से कम 2000 साल। तो अगर प्रेम है इंसान के अंदर तो वो इंसान सभी का सहन करेगा। कितना सहन करेगा? ज्यादा नहीं, कम से कम 2000 साल तक, मतलब मरते दम तक। हालेलुया। तो इंसान कितना सहन करेगा? 2000 साल तक। तो परमेश्वर का कहने का मतलब यह है कि प्रेम कैसा है, धीरजवंत। फिर से पढ़ो तो ये पहला कुरिन्थियों उसका 13वां अध्याय, और उसका 4वां पद, हाँ पढ़ो जल्दी से। हाँ, प्रेम सहनशील है। अगर हमारे अंदर प्रेम है, प्रेम मतलब परमेश्वर का वचन, अगर परमेश्वर का वचन वो प्रेम है वो हमारे अंदर है, तो इंसान कितना सहन करेगा? थोड़ी देर तक। थोड़ी देर मतलब हमारी आयु खत्म हो जाती है तब तक परमेश्वर हमें क्या कहते हैं, सहन करो। एक बार प्रभु उसने प्रचार किया, माफ़ करो माफ़ करो माफ़ करो, ठीक है। प्रभु उसने कुछ नहीं बोला कितनी बार माफ़ करना, ऐसा कुछ नहीं बोला। लेकिन पत्रस जो थे ना, वो थोड़े उतावले थे, इसलिए उन्होंने पूछा, प्रभु मैं कितनी बार माफ़ करूँ मेरे भाई को, क्या 7 बार करूँ क्या? जब प्रभु उसने बोला ही नहीं कि एक बार माफ़ करो या 2 बार माफ़ करो या 3 बार माफ़ करो, उन्होंने सिर्फ इतना बोला माफ़ करो। तो सीखना क्या है हमें, हमें वही सीखना है, माफ़ करो। एक बार मैं किसी अनजान जगह पर गया और एक गांव के बारे में मुझे पूछना था, ये गांव कहां पर है। जो रास्ता जो था वो तो सीधा जा रहा था लंबे दूर तक, लेकिन उसमें ढलान बार बार आते थे। तो एक भाई साहब को मैंने पूछा, बोला ये गाँव, बोले आप 7 ढलान को चढ़ कर उतर जाओ ना तो फिर वो गांव आ जाएगा। मेरे पास सही बोल रहे, बोला हाँ 7 ढलान एक बार चढ़ जाओ, 7 बार चढ़ जाओ। अभी उसके कहने के अनुसार मुझे कम से कम 7 बार चढ़ना था। अगर पूछना भी है तो 7 के बार बाद पूछना है, क्योंकि वो वहाँ का जानकार है, उसको मालूम है। तो मैं चलता गया, जब 7 बार ढलान खत्म हुई तब मैंने किसी को पूछा, बोले ये गाँव, बोले वो सामने दिख रहा है वही। लेकिन फिर हर बार एक ढलान पार करो पूछो, एक ढलान पार करो फिर पूछो, इसका मतलब क्या?
तो उसने जो बोला सुना क्या? प्रभु उसने क्या बोला? माफ करो। उन्होंने कुछ बताया नहीं, गिनती नहीं बताई। पत्रस को सही में पूछना ही नहीं चाहिए था कि प्रभु मैं कितनी बार माफ करूँ। जब परमेश्वर बोलते हैं माफ करो, तो इसका मतलब समझना है सिर्फ माफ करो, कितनी बार आता ही नहीं बीच में। तो फिर प्रभु उसने भी उत्तर दिया। पत्रस बोलता क्या 7 बार करूँ? तो बोलता है नहीं, 7 × 7 × 7 × 70 बार लिख बोले। उसका जो जवाब आया ना उतना 7 बार माफ करना। अब उसका जवाब ही नहीं आता तो 7 गुना करे कैसे? तो प्रभु उसे यही कहना चाहते थे कि माफ करो मतलब प्रेम जो है वो कैसा है? धीरजवंत। प्रेम कैसा है? सहनशील। प्रेम मतलब परमेश्वर का शब्द। प्रेम मतलब ये बाइबल। तो जिसके अंदर बाइबल है वो कैसा है? वो धीरजवंत है। फिर आगे क्या लिखा है? पहले कुरिन्थी 13वां अध्याय उसका 4वां पद। हाँ, परोपकारी कृपाल, मतलब कि दूसरों के ऊपर कृपा करने वाला प्रेम है। प्रेम जो है वो दूसरे का भला करते हैं। देखो प्रभु यीशु मर गए, लोगों ने मार दिया, लोग चिल्लाते रहे इसको मार दो, इसको ख़त्म कर दो। लोग प्रभु यीशु के ऊपर थूके, दोनों हाथों में पैरों में खिल्ले मार दिए, सर पर कांटों का ताज पहना दिया, उनके कपड़े निकाल दिए गए, बहुत अपमान प्रभु यीशु का कर दिया गया। लेकिन फिर भी प्रभु यीशु जाते जाते क्या कर गए? अपने मौत के जरिए क्या किया उन्होंने? उनके कोड़े खाने से हमको क्या मिला? हमें चंगाई मिली, हमें छुटकारा मिला, हमें आशीष मिली, हमें उद्धार मिला, हमें मुक्ति मिली, हमें शांति मिली। देखो प्रभु यीशु का चाहे जो भी लोगों ने किया, लेकिन प्रेम क्या करता है? फिर भी लोगों के ऊपर उपकार कर ही जाता है। इसको कहते हैं प्रेम। चाहे आपको ख़त्म भी कर दे, लेकिन आप क्या करोगे? उसका भला ही करोगे। यह परमेश्वर का प्रेम और यह बाइबल का वचन जिसको हम कहते हैं यह प्रेम। फिर आगे क्या लिखा है? पहले कुरिन्थी 13वें अध्याय में, हाँ मतलब डाह नहीं रखती। देखाई का मतलब होता है डाह नहीं करना। मतलब अगर कोई आत्मा में बढ़ता है, कोई हमसे आगे निकल जाता है, कोई आपसे आगे निकल जाता है, तो अंदर क्या होना चाहिए? खुशी होनी चाहिए। डाह नहीं, ये कैसे मेरा आगे निकल गया, मारता हूँ भी पीछे जाकर लाते, ये नहीं होना चाहिए। चाहे कोई आगे निकला तो निकलो आगे, कोई बात नहीं, उसके लिए और भी प्रार्थना करो। वो आगे निकला तो उसके लिए आनंद भी करो। लेकिन अगर प्रेम है तो प्रेम करने वाला कभी भी अपने अंदर अदेखाए डाह जो है वो उसको अंदर आने नहीं देता। लेकिन ज़्यादातर क्या होता है, लोग नापने के लिए बैठते, इससे मैं बड़ा हूँ या वो मुझसे बड़ा है, लोग नापने के लिए बैठते हैं, लेकिन हमें नापना नहीं है। फिर आगे क्या लिखा है? हाँ, वो खुद की बड़ाई नहीं करती। जो प्रेम है वो खुद की बड़ाई नहीं करती, मतलब खुद के बारे में बात नहीं करती, मैं इतना बड़ा, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, वो खुद की बड़ी बड़ी बातें जो है वो नहीं करती। जब दाऊद राजा थे वो भी एक जगह पर पहुँच गए, बहुत युद्ध किया, परमेश्वर उनको चारों ओर शांति दी, और चारों ओर शांति होकर जब एक जगह पर बैठ गए तभी उनके जीवन में पाप आया था। जब उनको लगा मैं सबसे आगे निकल चुका हूँ, अब मैं अच्छा राजा हूँ, अब उसे लड़ाई करने की जाने की जरूरत नहीं, लोगों को भेज दिया लड़ाई करने के लिए, और तभी उनके जीवन में पाप जो है वो पाप आ गए। लेकिन प्रेम जो है वो कभी भी किसी के लिए डाह नहीं रखती। प्रेम कभी भी अपनी खुद की जो बड़ाई करनी चाहिए ऐसी बड़ाई नहीं करती। फिर आगे लिखा है प्रेम जो है वो फूलता नहीं। मतलब जब कोई तारीफ करता है, तू तो बहुत अच्छा है, तू तो परमेश्वर का अच्छा दास है, तू आराधना बहुत अच्छी करता है, तू बाइबल बहुत अच्छे से पढ़ता है, तू प्रार्थना बहुत अच्छे से करता है, तो जिसके अंदर प्रेम है, परमेश्वर का शब्द है, वो फूल नहीं जाता। हाँ देखो मैं कितना अच्छा कर सकता हूँ, मैं अब ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, वो अंदर से वो फूल नहीं जाता। और फिर आगे प्रेम के बारे में लिखा है अनरीति से वो व्यवहार नहीं करती। मतलब किसी के साथ अयोग्य रीति से व्यवहार नहीं करती। अगर किसी के अंदर प्रेम है, परमेश्वर का वचन है, वो किसी के साथ भी अयोग्य रीति से वो कभी भी पेश नहीं आएगा। वो दूसरों के साथ अच्छे से ही व्यवहार करेगा, चाहे दूसरा उसके साथ कैसा भी व्यवहार करे, लेकिन जिसके अंदर परमेश्वर का वचन है वो दूसरे के साथ कभी भी अयोग्य रीति से वो व्यवहार नहीं करेगा। वो सिर्फ खुद की भलाई नहीं देखेगा। वहाँ पर लिखा है कि प्रेम जो सिर्फ खुद का भला नहीं करता,
प्रेम दूसरों का भला करता है, लेकिन कई बार तो ज़्यादातर सेवक लोग होता है उनको ही डर लग जाता है, उनकी जगह पर कोई और आ गया, अरे कहीं मेरा दान लेकर ना चला जाए, उनको डर लग जाता है और इसे बोलते हैं यहाँ पर मत आओ भाई, यहाँ पर मैं बैठा हूँ, लेकिन आप कोई और जगह पर चले जाओ। तो जो दूसरों का भला नहीं देख सकता, वो समझो कि उसके अंदर जो परमेश्वर का वचन होना चाहिए, परमेश्वर का प्रेम होना चाहिए, वो प्रेम नहीं है। फिर लिखा है जिसके अंदर प्रेम है वो झुंझलाता नहीं, मैं कोई उसको सता रहा है, कोई उसको परेशान कर रहा है, वो झुंझला नहीं उठता, अभी मैं इसको ये कर दूँ वो कर दूँ, वो गुस्सा नहीं करता, वो क्रोध नहीं करता उसके ऊपर, चाहे जो भी हो जाए। और फिर किसी का बुरा होता है तो उसमें वो आनंद भी नहीं करता, जिसके अंदर प्रेम होता है, जब किसी का बुरा होता है तब वो उसके अंदर ये वो आनंद नहीं करता। ये सारी बातें पहला कुरिन्थी उसका 13वां अध्याय 4वें पद से लेकर 7वें पद तक अगर पढ़ोगे तो ये सारी बातें जो है वो उसमें लिखी है। अब वो ध्यान समझा कि ये छोड़कर जो प्रेम के अंदर है उसको छोड़कर अगर कोई और बात किसी के अंदर है तो समझ लेना कि उसके अंदर परमेश्वर का प्रेम नहीं है, उसके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है, उसके अंदर ये परमेश्वर का जो वचन है वो परमेश्वर का वचन भी नहीं है, और साथ में ऐसी बातें परमेश्वर ने सिखाई नहीं और फिर भी उसके अंदर आई है तो ये बात उसने कहीं और से सीखी है। वो ध्यान समझना कि जिसके अंदर प्रेम नहीं है, जो धीरजवंत नहीं है, जो सहन नहीं कर पाता, कई बार लोग बोलते हैं ना मैं कितना सहन करूँ, कोई बात नहीं मत सहन कर, लेकिन ऐसा प्रभु उसने नहीं सिखाया, ऐसा परमेश्वर के वचन में नहीं है। जो ऐसा बोलता है उसके अंदर परमेश्वर नहीं है, उसके अंदर परमेश्वर का वचन नहीं है, वो परमेश्वर सीखा हुआ व्यक्ति नहीं है, उसके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है। जो किसी का बुरा होता है और उसको आनंद होता है तो समझ लो ऐसा परमेश्वर ने उसे नहीं सिखाया, ऐसा बाइबल के वचन के अंदर नहीं है, बाइबल के प्रेम के अंदर नहीं है। तो फिर उसके अंदर अगर आया है तो वो ये परमेश्वर की ओर से उसके अंदर नहीं आया। प्रेम कृपाल है, वो दूसरे के ऊपर कृपा करता है, दूसरों का भला करता है, लेकिन जो दूसरों का भला नहीं करता तो समझ लो उसके अंदर परमेश्वर का प्रेम नहीं है, उसके अंदर परमेश्वर का वचन नहीं है, वो परमेश्वर से सिखा हुआ नहीं है, परमेश्वर ने ऐसा सिखाया नहीं उसे, और फिर भी अगर उसके अंदर आया है तो वो परमेश्वर की ओर से नहीं, वो कहीं और से। अगर कोई फूल जाता है, घमंड में आ जाता है तो समझ लो घमंड करना परमेश्वर ने नहीं सिखाया, ऐसा बाइबल में नहीं है। फिर भी अगर किसी के अंदर आया तो वो परमेश्वर की ओर से नहीं है, वो परमेश्वर की ओर से नहीं। तो ये सारी बातें जो पहले कुरिन्थी 13वें अध्याय के अंदर उसके 4वें पद से लेकर 7वें पद में लिखा है कि प्रेम जो झुंझलाता नहीं, लेकिन अगर किसी को कोई परेशान कर रहा है वो झुंझला उठता है मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, तो समझ लेना परमेश्वर की शिक्षा नहीं है ऐसी, परमेश्वर उसको ऐसा नहीं सिखाया, ये परमेश्वर का शब्द उसके अंदर नहीं है, प्रेम उसके अंदर नहीं है, उसके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है। साफ सी बात है, चाहे वो कितना भी बड़ा हो, समाज में उसके पास कितना भी बड़ी पोस्ट हो, उसके पास कितना भी बड़ा पद हो, लेकिन जिसके अंदर ये बात नहीं, उसके अंदर परमेश्वर का प्रेम नहीं, उसके अंदर परमेश्वर की शिक्षा नहीं, उसके अंदर पवित्र आत्मा भी नहीं। अब बहुत ध्यान समझना, जो जो बातें हमने देखी एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूँ, कोई पढ़ो तो पहला कुरिन्थी उसका 13वां अध्याय और उसका 4वां पद, देखो प्रेम वो सहनशील है। बहुत ध्यान समझ, प्रेम क्या है, सहन करता है, सहन करने के लिए कोई भी लिमिट परमेश्वर ने नहीं रखी, उन्होंने बोला थोड़ी देर में आता हूँ थोड़ी देर सहन करो, 2000 साल मतलब अपने मरते दम तक सहन करो, अब ये समय है कि किसी और को मत देखना, लेकिन अपने आप को जांच रख, क्या मैं हर वक्त सहन करता हूँ। फिर लिखा है प्रेम कृपाल है, दूसरे के ऊपर उपकार करता है, क्या मैं हर वक्त हर बार दूसरे के ऊपर उपकार करता हूँ। फिर आगे क्या लिखा है, हाँ वो डाह नहीं रखती, अगर कोई आगे बढ़ गया
तो उससे जलन नहीं होती उसकी, उससे कोई परेशानी नहीं। लेकिन जांचो क्या मेरे अंदर ऐसी बात है, क्या कोई आगे बढ़ जाता है तो मेरे अंदर जलन सी उठती है, वो मेरे पीछे मसीह में आया मेरे से आगे निकल गया, मैं उससे ज़्यादा पढ़ता था वो मेरे से ज़्यादा मार्क ले गया, मैं उससे पहले जॉइंट हुआ था उसकी तनख्वाह मेरे से आगे बढ़ गई। क्या ऐसा कभी अंदर होता है? और आगे क्या लिखा है? हाँ, वो खुद की बड़ाई नहीं करती, खुद की बड़ी बड़ी बात नहीं, मैं ऐसा मैं वैसे। क्या कभी मैं ऐसा करता हूँ किसी के सामने मेरी खुद की तारीफ, मेरे खुद के बारे में चढ़ा बढ़ा कर बोलना, खुद के बारे में ऐसा इंट्रोडक्शन देना? और आगे हाँ, वो फूलते नहीं है, वो घमंड में नहीं आ जाती, कोई उसकी तारीफ करे तो वो घमंड ही नहीं हो जाता, हाँ मैं तो ऐसा ही हूँ, कहीं ऐसा मेरे अंदर तो नहीं। और हाँ, वो किसी से अनरीति से व्यवहार नहीं करती, अयोग्य रीति से किसी के साथ नहीं बर्ताव करती। क्या मेरा ऐसा है? मैं किसी को नहीं पसंद आता ऐसे उसके साथ व्यवहार करता हूँ जिसमें परमेश्वर का प्रेम ना हो ऐसे मैं उसके साथ व्यवहार करता हूँ? और आगे सिर्फ खुद का दिखता नहीं है प्रेम जिसमें, वो दूसरों का भी दिखता है। मेरा तो भला है लेकिन दूसरे का भला हो रहा है कि नहीं? अगर मेरा भला हो रहा है लेकिन मेरा भला होने से किसी और का बुरा हो रहा है तो वो कौन सा भला? वो भलाई की बात नहीं। क्या मैं सिर्फ मेरा भला देखता हूँ या किसी और का भी भला देखता हूँ? और आगे हाँ, वो झुंझलाती नहीं। क्या कभी झुंझला उठते हो? अपने आप को जांचो। और क्या लिखा है गे? हाँ, और हाँ हाँ, अगर कोई उसके साथ बुरी रीति से बर्ताव करे तो कभी भी वो उसके साथ ऐसे ही बर्ताव नहीं करता। अगर कोई गलत करे किसी के साथ बुरा हो तो वो आनंदित नहीं होता इंसान। क्या इनमें से सारी बातें या एक बातें या कोई कोई बातें कहीं मेरे जीवन में तो नहीं? ऐसी बातें कभी भी आपको किसी भी मीटिंग में नहीं सिखाई गई, ऐसी बातें परमेश्वर की ओर से आपको कहीं भी नहीं सिखाया गया। अगर फिर भी ऐसी कोई न कोई एक बात अगर दिल में है तो वो आई कहाँ से? अगर आपके जीवन में आज अगर एक ऐसी भी ऐसी बात है जो हम देख रहे नहीं होनी चाहिए और फिर भी है, तो जब ऐसा सिखाया नहीं गया, जब परमेश्वर के वचन में ऐसा नहीं है, जब किसी मीटिंग में ऐसा नहीं सिखाया गया, तो आया कहाँ से? वो दिल के अंदर दिमाग के अंदर आया कहाँ से? ऐसी बातें लोगों ने आपके जीवन के अंदर से देखी कैसे? क्योंकि मरकुस में लिखा है, मरकुस उसका 4th अध्याय और उसका 24वां पद, परमेश्वर का वचन कहता तुम क्या सुनते हो चौकस रहो। क्या सुनते हो? एक ही पद, प्रभु ने बोला मैं परमेश्वर का बेटा, पत्रस ने बोला तू परमेश्वर का बेटा है, लेकिन वही बात लोगों ने कैसे सुनी थी? है परमेश्वर का बेटा, उतर करा दिखा हमें। देखो एक ही पद कैसे सुना है, तुम कैसे सुनते हो परमेश्वर का वचन कि ऐसी बातें दिल में आ जाती है? जब सिखाई जाती है तब कैसे सुनते हो ताकि ऐसी गलत बातें वो दिल के अंदर दिमाग के अंदर आ जाती है? फिलुका में लिखा है उसका 8वां अध्याय और उसका 18वां पद, भाई बार में लिखा आप कैसे सुनते हो उसके लिए भी सावध रहो, सचेत रहो, चौकस रहो। कैसे सुनते हो वह ध्यान समझना कि परमेश्वर आज आपसे इस वचन से बात करना चाहते हैं। तुम क्या सुनते हो और कैसे सुनते हो? अब्राहम ने सुना, नूहा ने सुना, मूसा ने सुना, उनके पास लिखा हुआ नहीं था फिर भी उन्होंने परमेश्वर की आवाज़ को पहचान लिया। आज तो हमारे पास परमेश्वर की आवाज़ है, परमेश्वर की आवाज़ लिखती रूप में हमारे पास है। अगर हमसे कोई इस बाइबल के विरोध में आकर कोई सिखा जाता है
जो बाइबल में परमेश्वर हमको नहीं सिखाए ऐसी बात अगर कोई हमें बोलकर सिखा जाता है वो हमारे दिल में आ कैसे सकती है, जबकि परमेश्वर सिखाया नहीं, जबकि बाइबल में ऐसा लिखा नहीं। उन लोगों ने बिना पढ़े भी गलती नहीं की, तो हमारे जीवन में ऐसी गलती कैसे आ सकती है जबकि हमारे पास तो ये सारी बातें लिखी हुई है। लेकिन बहुत ध्यान समझना, ऐसी बातें इसका आत्मा होता है और आत्मा आत्मा को आकर्षित करता है। व्यभिचार कभी एक व्यक्ति नहीं कर सकता, व्यभिचार का आत्मा होता है। व्यभिचार का आत्मा कम से कम दो लोग के अंदर जब काम करता होगा तभी वो लोग व्यभिचार में जुड़ेंगे। तो व्यभिचार का आत्मा दोनों जगह पर है, जिसके अंदर व्यभिचार का आत्मा है वो दूसरे के अंदर देख लेता है इसके अंदर भी है, और इससे दोनों को एक दूसरे के प्रति आकर्षित करते है। और व्यभिचार होता है, ये व्यभिचार के आत्मा की बात है, शैतान के आत्मा की बात है। वो देख लेता है किसके अंदर है दूसरे के अंदर, जिसके अंदर नहीं होता वो व्यभिचार में नहीं फंसता। इसका मतलब शैतान की आत्मा अपनी ओर आकर्षित करती है जिसके दूसरे के अंदर भी शैतान की आत्मा होती है। निंदा करवाने वाली आत्मा उसके प्रति आकर्षित होती है, जो निंदा सुनने के लिए तैयार है उसे पता चल जाता है मेरी निंदा सुनेगी, ये मेरी निंदा सुनेगा, चलो इसके पास जाकर बैठता हूं, मैं निंदा करता हूं, इसको भी पाप में लाता हूं। शैतान की आत्मा पहचान जाती है कि किसके अंदर यही वाली आत्मा काम कर रही है, और ऐसे दोनों को इकट्ठा कर देती है, वो एक दोनों को आकर्षित करती है, वो दोनों एक दूसरे के प्रति आकर्षित होते और दोनों साथ में निंदा करने के लिए बैठ जाते। गुस्सा की आत्मा आकर्षित करती है, कभी देखा है कि लड़ाई करता हो, छुड़ाने वाले इसको भी छुड़ाने के लिए आता है, इसको भी छुड़ाने के लिए आता है, ये भी उछल उछल कर गालियाँ बोलता है, वो भी उछल उछल कर गालियाँ बोलता है, वो शैतान को मालूम है मैं तो इसके अंदर हूँ गुस्से के रूप में, इसके अंदर भी है कि नहीं, वो दोनों को इकट्ठा कर लेता है। लेकिन जिसके अंदर है नहीं तो शैतान लड़ने के लिए क्या जाएगा, यहाँ तो होगा ही नहीं मेरा काम। आत्मा आत्मा को आकर्षित कर देती है। जब परमेश्वर ने सिखाया नहीं, जब परमेश्वर के वचन में ऐसा है नहीं, जब किसी ने ऐसी बातें बताई नहीं, फिर भी ऐसी बातें आई कहाँ से। जब प्रभु यीशु पहाड़ पर चले जाते थे, जब प्रभु यीशु तीन चेलों को लेकर चले जाते थे, चेलों को समय मिल जाता था, और तभी शैतान दूसरे को लेकर आ जाता था। अभी इसकी भी सुनो, यीशु की तो सुन ली, अब इसकी भी सुन लो। वो ध्यान समझना, मीटिंग में देरी से लाने वाली आत्मा होती है। शैतान को मालूम है किसके अंदर ये आत्मा कर रही, उसी के जीवन में जाकर रुकावट लेकर आएगी, और रुकावट आ ही जाती है, देर हो ही जाती है। उसको मालूम है यहाँ पर मेरी जगह है, वो आकर्षित होता है वहाँ पर और आकर्षित करता है वहाँ पर। आलसी आत्मा होती है, परमेश्वर ने कभी सिखाया एक बार हल पर हाथ रख दो फिर पीछे मुड़कर मत देखो, लेकिन फिर भी प्रार्थना करने की आलस नहीं आया करने, कल करेंगे प्रार्थना, आज सोते रहो कल उठेंगे जल्दी से, ये आलस की आत्मा। शैतान को मालूम है कौन मुझे अपने अंदर रखने के लिए तैयार है, कौन ऐसा इंसान है किसके अंदर ऐसी दूसरी आत्मा वहाँ पर काम कर रही है, वो उसके पास चले जाते। निंद की आत्मा, मीटिंग में निंद की आत्मा चाहे कैसे भी वचन हो लेकिन निंद की आत्मा काम करती है, क्योंकि उसको मालूम है कि यहाँ पर मुझे स्थान मिलेगा, यहाँ पर मुझे जगह मिलेगी, ये मेरा कहा हुआ करने वाला है, इसको सुला दो, और वो सो भी जाता है। लेकिन शैतान को जब पता चलता है ये तो भगाने वाला है, उसके पास जाएगा, जब आपको पता है कि इस घर में मेरी एंट्री नहीं है, वो लोग मुझे घर में नहीं बुलाएंगे, तो जाएंगे उसके घर, फिर उसके घर नहीं जाएंगे। शैतान को मालूम है परमेश्वर का जितना सुनना है सुनने दो, लेकिन इसके अंदर वो आत्मा मैं मेरी भी सुना देता हूँ, फिर बोले मैं कितना सहन करूँ, मैंने बहुत माफ़ किया, अब मैं माफ़ नहीं करने वाला। क्यों ऐसा होता है, परमेश्वर ने ऐसा सिखाया, मीटिंग में ऐसा सीखने को मिला नहीं, लेकिन बाकी का समय तो था ना सीखने के लिए, ऐसी जगह पर जाने के लिए, ऐसे लोगों के साथ बैठने के लिए, और तभी
शैतान ने अपना काम कर दिया। अब वो ध्यान समझना, जो वचन आज हमने पढ़ा था यूहन्ना उसका 8वां अध्याय और हमने पढ़ा था 31 से लेकर उसके 44वें पद तक, और वहाँ प्रभु यीशु किसी लोगों के साथ बातचीत कर रहे थे, और बातचीत करते करते प्रभु यीशु ने एक बहुत अच्छी बात लोगों से कही, और हम पढ़ते उसका 38वां पद 38 पढ़ो तो कोई। हाँ, प्रभु यीशु ऐसा कहते, मैं मेरे बाप के पास मैं जो देखता हूँ वो तुम्हें कहता हूँ। हालेलुया, बहुत ध्यान समझना क्योंकि चोट लगने वाली। क्या कहते हैं प्रभु यीशु? मैं मेरे बाप के पास जो देखता हूँ वो तुम्हें कहता हूँ। हालेलुया, मैं मेरे बाप के पास जो देखता हूँ वो तुम्हें कहता हूँ। तो प्रभु यीशु क्या कहते थे? प्रेम करो, एक दूसरे से प्रेम करो। फिर क्या लिखा है आगे? और तुम भी तुम्हारे बाप से क्या करते हो? जो सुनते हो वो तुम करते हो। हालेलुया। देखो प्रभु उसने क्या कहा, मैं मेरे बाप के पास से जो सुनता हूं ना वो तुम्हें कहता हूं, और तुम लोग क्या करते हो? तुम तुम्हारे बाप के पास जो सुनते हो वो तुम करते हो। प्रभु यीशु जिसको अपना बाप कर रहे वो उनका बाप नहीं है। उनका बाप कौन है? कौन है उनका बाप? बिना डरे बोलो, कौन है उनका बाप? शैतान। प्रभु यीशु को स्पष्ट बोलते कि तुम तुम्हारे बाप शैतान से सुनते हो, शैतान का कहा करते हो। अभी देखो प्रभु यीशु ने किससे कहा ये बात? प्रभु यीशु ने किससे की? तो हम पढ़ते उसका 31वां पद पढ़ो तो क्या लिखा है? हाँ, विश्वासी लोगों को कहा। विश्वासी लोगों का बाप कौन? हालेलुया। विश्वासी लोगों को प्रभु यीशु ने कहा, जो प्रभु यीशु को पर विश्वास करते थे उनको प्रभु यीशु ने कहा, तुम तुम्हारे बाप से सुनते हो। देखो विश्वासी यीशु मसीह पर, लेकिन बातें कहाँ से सुनते? शैतान की बातें सुनते। शैतान की बातें सुनकर खुद का काम करते, मैं कब तक माफ करूं? तो क्या प्रभु यीशु ने सिखाया? मैं कब तक सहन करूं? तो क्या प्रभु यीशु ने सिखाया? प्रभु यीशु ने कहा मरते दम तक सहन करो, मरते दम तक माफ करो, मरते दम तक प्रेम करो। फिर बीच में रुकने वाली बात कहां से आई? माफ करने वाली, छोड़ने वाली बात कहां से आई? लड़ाई झगड़े की बात कहां से आई? गुस्सा करने वाली बात कहां से आई? वो तुम्हारे बाप शैतान से आई है। हालेलुया, किससे आई है? और प्रभु यीशु ने किससे कहा यह बात? विश्वासी लोगों से कहा, विश्वासियों को कहा, तुम्हारा बाप शैतान है और तुम तुम्हारे बाप से सुनते हो, मुझसे नहीं सुनते। मैं जब प्रार्थना के लिए चला जाता हूँ ना, तो तुम भी दूसरे के पास सुनने के लिए चले जाते हो। अगर 24 घंटे प्रभु से के पास रहते तो, प्रार्थना के लिए प्रभु से के पास चले जाते तो शैतान आकर सुनाता कुछ? लेकिन क्यों शैतान आकर सुना जाता है? क्यों वो बाप बन जाता है? क्यों विश्वासियों का बाप शैतान बन जाता है? प्रभु उसने कहा तुम सच्चाई को जानोगे और सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। वही लोग यीशु मसीह के ऊपर पढ़ के बोला हम क्या गुलाम है? तो क्या रोमी सरकार तुमने गुलाम बनाकर नहीं रखा है? और फिर भी बोले क्या हम गुलाम है? क्या हम क्या व्यभिचार से पैदा हुए? हमारा बाप परमेश्वर है। तो प्रभु से बोला कि परमेश्वर होता तो परमेश्वर के काम नहीं करते, अब्राहम के बेटे होते तो अब्राहम का काम नहीं करते। नहीं, तुम विश्वास करते मेरे ऊपर, लेकिन फिर भी तुम्हारा बाप कौन है? शैतान। क्यों? अगर तुम्हारे अंदर प्रेम नहीं, अगर तुम्हारे अंदर सहनशीलता नहीं, अगर तुम कृपाल नहीं, अगर तुम्हारे अंदर धीरज नहीं, अगर तुम फूल जाते हो, अगर किसी का बुरा हो तो उसमें आनंद करते हो, तो बाप कौन हुआ? शैतान बाप हुआ। क्योंकि प्रभु यीशु ने ऐसा नहीं सिखाया। और इसलिए प्रभु यीशु ने क्या बोला उसका 44वां पद पढ़ो तो। स्पष्ट लिखा है वो जूठा है और जूठे का बाप है। देखो अगर आप में धीरज नहीं है,
अगर सहनशीलता नहीं है, अगर प्रेम नहीं, अगर आप कृपाल नहीं, इसका सीधा सा मतलब होता है शैतान बाप बन चुका है। अगर प्रभु यीशु को पिता कहते हो तो प्रभु यीशु की आवाज़ सुनो, अगर प्रभु यीशु को बाप समझते हो तो प्रभु यीशु की वाणी को सुनो। अब्राहम ने सुनी, नहीं लिखी थी फिर भी सुन ली उसने, नूहा ने सुनी, मूसा ने सुनी, वो लोग धीरजवंत रहे, कृपाल रहे, पौलुस से सुने, पत्रस से सुने, उनके पास भी लिखा हुआ नहीं था, नया नियम तब नहीं आया था, लिखा हुआ नहीं था, हमारे पास तो सब कुछ लिखा हुआ है, फिर शैतान भरमा कैसे सकता है कि? जब बाइबल में इतना स्पष्ट लिखा है कि सहन करते रहो, माफ़ करते रहो, तो शैतान भरमा कैसे सकता है कि नहीं माफ़ बंद करना बंद कर दो, सहन करना बंद करो, मैं कब तक सहन करूँ? तो ध्यान समझना कि शैतान को बीच में सटाओ, सिर्फ ये वचन जो है वही परमेश्वर के वचन है, इस वचन के बाहर की जितनी भी बातें वो सारी किससे है? वो शैतान से। बाइबल का एक शब्द क्या, एक शब्द की मैं बात नहीं करता, एक अक्षर, एक अक्षर को भी इधर उधर कर दोगे मौत मिलती है। एक बार ऐसा हुआ, हम पढ़ते हैं न्यायों की किताब आखिरी पद, न्यायों की किताब उसका 12वां अध्याय और उसका 6वां पद, न्यायों की किताब उसका 12वां अध्याय 6वां पद, यहाँ पर ऐसा लिखा है कि लोग उसको पूछते तुम वो शिब्बोलेथ बोल, शिब्बोलेथ SH शिब्बोलेथ, और वो लोग क्या बोलते थे? और वो लोग बोलते शिब्बोलेथ, देखो थोड़ा सा फर्क, शिब्बोलेथ शिब्बोलेथ, उनको कहा जाता था आप शिब्बोलेथ बोलो, अगर शिब्बोलेथ बोलोगे तो हमारे होंगे, और अगर शिब्बोलेथ बोलोगे तो दूसरे कहोगे। कभी भाषा बदल जाती है ना, आप अगर गुजरात छोड़कर कहीं और चले जाओ, चाहे आप वहाँ की लैंग्वेज सीख जाओ, फिर भी आपके बोलने के तरीके से पता चल जाएगा। देखो हमारे यहाँ बाहर का कोई आता है MP से, UP से, बिहार से, वो चाहे गुजरात सीख भी जाए, लेकिन जब गुजराती बोलते हैं तो हमको पता चल जाता है कि ये यहाँ का नहीं है, ये मूल गुजराती नहीं है। तो ये लोग पूछते थे कि आप लोग हमारे हो या बाहर के हो, तो बोले हम तो आपके लोग हैं। तो बोले अच्छा एक काम करो, शिब्बोलेथ बोलो, ऐसे शिब्बोलेथ, तो ये लोग बोल नहीं सकते थे, तो ये लोग क्या बोलते थे? शिब्बोलेथ। पढ़ो तो पता पूरा, देखो सिर्फ SH और S, इतना फर्क होता था और इंसान मर जाता था। परमेश्वर के वचन में कभी भी इधर उधर मत करो, परमेश्वर का वचन प्रेम है, प्रेम कभी डाह नहीं करता, मत करो, प्रेम कृपाल है, कभी भी दूसरों का भला करने से मत रुको, चाहे वो आपको मार भी दे कोई बात नहीं, भला करते रहो, सहन करते रहो, मरते दम तो कोई चाहे कितना भी सताए कोई बात नहीं, मर जाओ कोई बात नहीं, धीरज रखो, माफ़ करो, ये परमेश्वर हमें सिखाना चाहते। उसके सिवा जो है वो शैतान से, और इसे शैतान की बातों में मत आओ, परमेश्वर का कहा करो। एक अक्षर भी अगर इधर उधर हो गया परमेश्वर के वचन से तो स्वर्ग की जगह पर डायरेक्ट नर्क में चले जाओगे। इससे अच्छा है एक भी शब्द इधर उधर मत करो, पूरी तरह से मानो परमेश्वर को। हम हमारे आँखों को बंद करते हैं और हमारे मस्तकों को प्रभु यीशु के आगे झुकाते हैं, जो राजाओं के राजा है, जो ईश्वरों के परमेश्वर है, जो कभी नहीं बदलते, जो हमसे बहुत प्रेम करते हैं। सभी लोग अपनी आँखें बंद करें और सभी लोग अपने मस्तकों को झुका कर रखें। मेरे प्रियो, परमेश्वर की वाणी मतलब प्रेम है। परमेश्वर चाहते हैं हम एक दूसरे से प्रेम करें, हम किसी की निंदा ना करें, हम डाह ना करें, हम कृपाल रहें। लेकिन जिसके अंदर ये बातें नहीं है तो बातें परमेश्वर ने नहीं सिखाई, अगर परमेश्वर ने नहीं सिखाई तो सिखाने वाला शैतान है, और आप जिससे सीखते हो आप उसके बेटे बनते हो। परमेश्वर के बेटे बनो, परमेश्वर से सीखते रहो। ये वचन समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए, उसके अनुसार चलने के लिए प्रभु यीशु की कृपा हम सभी पर बनी रहे।